बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं कमीज़ की साइड पे लगाऊंगी फिनिशिंग पट्टी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने अगर चाक को नीट करना हो तो हम किस तरह करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये चाक के दोनों चाक छोड़ दिए हैं ताकि आप लोगों को डिटेल के साथ बता सकूँ कि हम जब फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे तो क्या तरीका यूज़ करेंगे जो हमारी पट्टी बिल्कुल इक्वल आए। और ये मैंने दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी किया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, इससे पहले ये वीडियो मौजूद है, आप जाकर सीख सकते हैं। और यही वाला वो बॉर्डर है जिसकी मैं फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी। मैंने इसे एक साइड से इस तरह प्रेस की मदद से बिठा दिया है और एक साइड इसका खुला है, इसे भी हम बाद में प्रेस की मदद से बिठाएंगे। आपको पट्टी दिखाने का रीज़न ये है कि डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप इसको इस तरह ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नीचे दामन के ऊपर भी यही वाला बॉर्डर है। अगर हम पेस्ट करेंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह होगी। अगर आप फिनिशिंग पट्टी करेंगे जिस तरह मैं आपको करके दिखाऊंगी तो ये फिनिश होगा और अंदर की तरफ इस तरह ये नीट हो जाएगा, ये छुप जाएगा। और ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों का दामन बना हुआ है या कोई भी डिज़ाइन है, कोई काम हुआ हुआ है, कढ़ाई हुई हुई है, कोई लेस आप लोगों ने यूज़ की है, तो हम अपने चॉक को किस तरह नीट करेंगे, ये चीज़ें सारी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आसानी के लिए, जो लोग नए हैं, आसानी के लिए कि हमसे अगर छोटी बड़ी नहीं हो जाए, ज़्यादा दबाव ना आ जाए, ज़्यादा कम ना आ जाए, तो आपने आसानी के लिए सबसे पहले इसे इस तरह पकड़ के प्रेस करना है। वैसे तो मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियो में ओवरऑल डोरी पाइपिंग करना, फिनिशिंग पट्टी करना सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, बट ये जो है कमीज़, ये सिर्फ और सिर्फ चौक हम नीट करेंगे फिनिशिंग पट्टी के साथ, इसमें हम ओवरऑल फिनिशिंग पट्टी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। देखें इस तरह आपने इसे एक साइड से प्रेस करना है, जितना आपका दबाव है, जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं उतना आपने इस साइड से पकड़ के और इस कोने से पकड़ के प्रेस की मदद से पहले ही निशान लगा लेना है कि हमें कितने इंच पे ये फिनिशिंग पट्टी करनी है। इससे आपकी जो कपड़े का दबाव है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसी तरह मैं चारों चॉक्स को प्रेस की मदद से बिठा लूँगी, उसके बाद अपनी फिनिशिंग पट्टी अप्लाई करेंगे। मैंने प्रेस की मदद से कमीज़ के चारों चौकों को इस तरह बिठा लिया है। अब मैं इस पर फिनिशिंग पट्टी अप्लाई करूँगी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये पट्टी अप्लाई होगी। आप लोगों को सिखाने के लिए ये मैंने टेक्निक यूज़ की है प्रेसिंग वाली, वरना तो मैं अंदाजे से भी ये पट्टी लगा सकती थी। आप लोगों को सिखाना और बताना इसलिए ज़रूरी था। जो लोग नए हैं, अगर आप लोग उलझ जाएँ कि हमसे पट्टी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो आप प्रेस करके इसे बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, जिस तरह इस वक्त मेरी कमीज़ है। अब इस पर फिनिशिंग पट्टी होना बहुत ही आसान होगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पट्टी का हम ये वाला साइड रखेंगे जिसे हमने पहले ही प्रेस की मदद से मतलब नीट कर दिया था, और इस पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालेंगे बाहर की तरफ। अब इस पट्टी को इस साइड की तरफ से एक इंच ऊपर करके मैं कट करूंगी, बिल्कुल इस चौक के बराबर में कट नहीं करूंगी, इतना एक्स्ट्रा कट करूंगी कि हमारी पट्टी फोल्ड हो जाए। ये हो गया पहला चाक। अब इसी के बराबर में सेम इसी तरह पट्टी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा इस पट्टी को एक्स्ट्रा मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, बहुत मामूली सा, ताकि इसके धागे जो हैं वो नीट हो जाएं, धागे नहीं निकलें। तो इस पट्टी को भी एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के मैंने कट किया है। अब सेम इसी तरह मैं दूसरे चौक के ऊपर भी पट्टी लगा लूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कमीज़ के चारों चौकों पे पट्टियाँ लग गई हैं, अब मैं करूँगी इसे प्रेस। इस तरह कमीज़ के सीधे साइड से प्रेस स्टार्ट करेंगे। फिनिशिंग पट्टी हमारी अंदर की साइड है और ऊपर की साइड से हम प्रेस करेंगे।
जितना बॉर्डर आप शो करना चाहते हैं उतने ही बॉर्डर को दबाकर आप प्रेस कर दें। मैं इसमें सिर्फ ये स्क्वायर बॉर्डर शो करूंगी, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे मैं छुपा दूंगी। तो मैं पहले ही प्रेस की मदद से इसे इस तरह बिठा लूंगी। कुछ इस तरह ये पट्टी आएगी हमारे चॉक्स के अंदर की साइड पर। सेम इसी तरह पट्टी आप ऊपर की साइड पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये पट्टी मैंने अंदर की साइड पे की है तो ये हमारी फिनिशिंग पट्टी कहलाएगी, यानी कि चौकों को फिनिश करना। और पहले जो सिलाइयाँ लगती थी चॉक्स में, डबल सिलाई वाले चॉक्स बनते थे सादे, वो तरीका बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे हमारे कपड़े के जो चॉक हैं वो नरम पड़ जाते हैं। इससे हमारे जो चॉक है वो बिल्कुल, जब तक हमारा सूट नया रहेगा हमारी ये पट्टी कभी भी डैमेज नहीं होगी। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप ही जब हम चॉक्स पर पट्टी करते हैं जब हम उसे वॉश करते हैं तो वो नरम पड़ जाती है, तो आपने पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है और ज़्यादा ढील नहीं देनी, मतलब ज़्यादा उसमें नम नहीं देनी। अगर आप उसको खींचेंगे तो जब उसको वॉश करेंगे तो वो इस तरह सरवटें उसके अंदर आ जाएंगी। आपने बस इस एक दो चीज़ का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपकी पट्टी इसी तरह आएगी जिस तरह इस वक्त इस शर्ट के ऊपर मौजूद है। आप इसे धोकर प्रेस भी करेंगे तो ये पट्टी इतनी ही नीटनेस के साथ आएगी। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सिलाई। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये सिर्फ एक टाइम तक होता है कि जब कुछ टाइम तक हमारी पट्टी ये बिल्कुल ठीक आती है, और जिस जैसे हमारे सूट की मुद्दत ख़त्म होती जाती है तो ये पट्टी भी बेचारी डैमेज हो जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जाके एक टाइम के बाद ये पट्टी नरम पड़ जाती है, शायद इसीलिए आपके ड्रेस के अंदर ये नम या सरवट आ रही होगी। अदरवाइज न्यू ड्रेस में ये कंप्लेंट कभी नहीं आती। जब सूट आपका पुराना हो जाएगा या दो चार बार ये वॉश हो जाएगा, हो सकता है तब ये पट्टी आपकी नरम पड़ जाए, तो इसीलिए परेशान मत होइएगा। मैं प्रेस इस पर इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रेस करेंगे उतने ही आपकी सिलाइयाँ खूबसूरती से उभर कर आएंगी, क्योंकि अगर आप अपने काम के साथ साथ प्रेस यूज़ करेंगे तो आपका काम में बहुत ज़्यादा सफाई आ जाती है। आप लोगों ने भी प्रेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो मैं इस पट्टी की सिलाई यहाँ से लगाऊंगी, इसे मैं बाद में तुरपाई करूंगी। यहाँ पर अपना सिरा पक्का करेंगे ताकि ये खुल नहीं जाए। तो जो मैंने तुरपाई के लिए छोड़ा था अब हम उसे तुरपाई करेंगे। सबसे पहले इस पट्टी को थोड़ा सा कम करेंगे, ये ज़्यादा है, और इस पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ टर्न करेंगे, इस तरह टर्न करके फिर इसको एक क्रॉस बनाएंगे वी शेप में, क्योंकि ये तुरपाई के बाद ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। इस तरह आप चाहें तो इसे इस तरह भी तुरपाई कर सकते हैं, इस तरह स्क्वायर करके, दोनों ऑप्शनल है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें, मगर इस तरह मैं बनाऊंगी इसकी एक नोक। ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने में और देखने में इस तरह, और ये बहुत आसानी से इसकी नोक बन जाती है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसको एक स्क्वायर बनाना है, अंदर की तरफ पट्टी टर्न करनी है, उसके बाद इस पट्टी को इस तरह एक नोक देनी है तिरछी, और इसको आप तुरपाई कर देंगे। तुरपाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा टाका पक्का करेंगे ताकि हमारी तुरपाई खुले नहीं। आप अगर सिलाई पहनना पसंद करते हैं तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, आप बिल्कुल स्क्वायर सिलाई लगा दें, मगर मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे मैं छोड़ देती हूँ तुरपाई के लिए, इससे एक बुटीक लुक आता है। और ये देखिए नीचे से कितना खूबसूरती के साथ ये बना है हमारा कोना,
और यहाँ पर भी इसका धागा पक्का करेंगे। ये लीजिए बेहतरीन कोना रेडी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही काम की बात शेयर करूंगी। हर बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमारे साइड की सिलाई होती है, जो हमारे चॉक्स होते हैं, हमारी शर्ट यहाँ से ही डैमेज हो जाती है, बैठने में या खींचने में यहाँ से हमारी शर्ट डैमेज हो जाती है या फट जाती है। तो आप सब ने देखा होगा जब मैं डोरी पाइपिंग करती हूँ तो इन कोनों को इस तरह पक्का कर देती हूँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, आप सब ने भी ज़रूर करना है। इस तरह अपने कोने को सुई की मदद से पक्का करना है, बस फिर आपका चौक कभी भी नहीं यहाँ से खिंचाव पड़ेगा और नहीं यहाँ से डैमेज होगा। ये लीजिए आपने यहाँ से 3-4 टाके जो हैं वो लगाने हैं, उसके बाद फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज़ में कोई मसला नहीं आएगा और आपकी जो कमीज़ है ये पायदार हो जाएगी। और मैं इसे इस तरह पक्का कर रही हूँ और मैं आपको इसको पलट के भी दिखाऊंगी कि साइजिंग में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और हमारी जो शर्ट है वो मज़बूत हो जाएगी चौक किस से। ये देखिए इस तरह, और ऊपर जो है पता भी नहीं चल रहा। तो फाइनली मेरी शर्ट के ऊपर फिनिशिंग पट्टी हो गई है कंप्लीट। अब लास्ट बारी है इसे प्रेस करने की, इसे एक बार फिर प्रेस कर देंगे ताकि जो भी सिलाइयाँ हैं वो हमारी बैठ जाएं। और आप सब ने देखा मैंने कितनी ही डिटेल के साथ और कितने आसान करके आपको चॉक्स के ऊपर फिनिशिंग पट्टी लगाना सिखाई भी है, बताई भी है, छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। हो सकता है जो चीज़ आप लोगों को मालूम हो वो मुझे नहीं मालूम हो, जो मुझे मालूम हो वो आप लोगों को नहीं मालूम हो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश से अगर किसी की हेल्प होती है, किसी की मदद होती तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो बॉर्डर मैंने शो किया है, और यही बॉर्डर नीचे है और यही बॉर्डर ऊपर है। कितना ही आसान तरीके के साथ मैंने इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे दी है, और ये इसके ऊपर बारीक कढ़ाई हुई हुई है तो ये और ज़्यादा खूबसूरती के साथ हमारा चौक बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो और कुछ मतलब सीखा हो आप लोगों ने मुझसे। अगर ऐसा सब कुछ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें। इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब मेरे काम को बहुत बहुत पसंद करते हैं, मैं आप सबके बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा। और मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस मुकम्मल ड्रेस का रिव्यू मैं उसके ऊपर करूंगी, आपके साथ इसका गला, इसके स्लीव्स, इसका ट्राउज़र, तमाम चीज़ें शेयर करूंगी। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे जो कुछ आप मुझसे सीखते हैं, जो कुछ आप मेरे बताए हुए डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, तो आप सब लोग मुझसे वहाँ DM कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए डिज़ाइन और एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।